बोलो बहन जी। आज बना है दाल का पराठा। दाल का? मेरे को आलू का लगा। दाल का टेस्टी लग रहा है ना। हाँ, तो पानी नहीं आलू पराठा देखते। मैं दाल का वैसे नहीं खाता। बहुत टेस्ट होता है, बहुत हेल्दी होता है दाल का पराठा। मैंने खा लेती हूँ गर्म गर्म, ही अच्छे लगते हैं पराठे। अभी तो ठंडे वाले, ठंडे भी खा लेते हैं ना। अब सब्जी बन रहे हैं, मेरी सब्जी के साथ खाएगी। धीरे बोल रहे हैं, मेरे को कम सुनाई दे रहा है। मैं धीरे बोल रही हूँ। अचार, सासू माँ के हाथों का अचार, सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं पराठे शराठे खा के आराम से सो गई थी एंड अभी तंदूरी आने लगे हैं घर पे। मुझे ये सारा के सारा अपना ड्रेसिंग जो है इसको साफ करना है अच्छे से ना, क्योंकि ये पता नहीं मिट्टी आती है कहाँ से उड़ के आती है, तो इसको अच्छे से क्लीन करके इसका सारा सामान सेट करूंगी। तो मुझे समझ नहीं आता, मेरा जो मेकअप है ना आधा मैंने रख रखा है मेकअप किट के अंदर और आधा पता नहीं कहाँ रख रखा है। इसको थोड़ा सेट करूंगी तो थोड़ा समझ में आएगा। फिर जल्दबाजी में जब कहीं जाना होता है तो ना मेकअप कभी इधर ढूंढना पड़ता है तो कभी उधर ढूंढना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। फिर अभी थोड़ी देर में क्लीन करती हूँ चाय वाय पी के। क्या? ओह माय गॉड, दिस इज माय ड्रेस। ड्रेस कंचन का तो देखो कैसे। ओह माय गॉड, लीला नहीं खाती है गाइस। दे मैं ले लेती हूँ। आप भी पहन लेना। ये लो जी, ये लो, ये लो। मैं ले लेती हूँ। अरे इनके पास पेंडिंग था, कब से बोल रहे थे हम ये ले जाएंगे। मैं वेट कर रही थी। नहीं वेट तू। हाँ ये बहुत टाइम से गिफ्ट था। डे सूट है, डे सूट है दीदी। कितनी टाइट सूट है, डे सूट है। आ जाएगा नाइट सूट बोलेंगे फिर कमेंट्स आएंगे। नाइट सूट नाइट में ही पहना जाता है, डे में नहीं। कैसा है? है अच्छा, फैब्रिक सही है इसका तेरे लिए? ये श्रिंक तो नहीं होएगा तन्ने? देख लो, थोड़ा बहुत होएगा बट तेरे मैंने बड़ा साइज ही लिया हुआ है। हाँ थोड़ा श्रिंक होएगा तो वैसे नहीं भी होता कई बार। श्रिंक नहीं होता, वो बल से पड़ जाते हैं। क्या होता है बल पड़े मतलब वो? हाँ हाँ क्या रिंकल से निकल जाता है वो हो जाते हैं यार। मुझे अच्छा है, देख बाजू भी सही है। बाजू तो सही है बट ये मुझे पता नहीं ना कहीं हो जाए फिर फायदा नहीं ना। वो हो जाते हैं ना जब कपड़े श्रिंक हो जाते तो उसके बाद नहीं होता, क्योंकि ना फिर ऐसे सारे पैसे भी वेस्ट जाते हैं। जो सुंदर चीज लगती है वो दोबारा पहन नहीं सकते और फिर वो फंस जाते। इतना नहीं होगा, ये वैसे ही वॉश होके बनते हैं, थोड़ा बहुत होगा। होगा तो फिर पहनों के बाद वापिस देना पड़ता है। वैसे भी पॉकेट्स नहीं है इसकी, वो चीज हमारे पास है। यार पॉकेट्स नहीं है, पॉकेट ये लोग अपने हिसाब से चूज करते हैं। हमारे पास है ठीक है तो अच्छे से वो कर लो। हाँ ये तो है। कितने टाइम बाद मिलता है? क्या कुछ टाइम बाद? जब मन करता है, मन करता है। वैसे तो पहनों का फायदा तो होता है, बहुत फायदा होता है यार। इनके कपड़े पसंद आते हैं वो मैं ले लेती हूँ, जो मेरे होते हैं वो ये ले लेते हैं। ऐसे ही तो फायदा होता है पहनों का, जो हमारा तो ऐसे ही चलता रहता है। अभी तो मैं थोड़ी मोटी होगी, तो पहले तो सेम ही कपड़े आते थे बट हमारा फायदा हुआ है, हमें सारे कपड़े मिल जाते हैं। हम लूज भी पहन लेते हैं। मैं भी लूज। थैंक यू वेरी मच गाइस। वो जो तूने अपने कपड़े पे पहनी थी ना तेरी वो बैंगल्स घर पे, कौन सी वाली? रेड वाली? रेड 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 कौन सी बैंगल्स है? हाँ सॉरी ग्रीन वाली, ग्रीन अच्छा वो। हाँ हाँ मैंने सोचा ला के दे दे तू सजा लेगी ना। हाँ यार चाहिए तो थी मुझे सजाने के लिए। सजा के रख लेती वहाँ पे। मेरे मैंने ना सोचा हुआ था कि वहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं डंडा सा जो लगा हुआ है इसके अंदर, हाँ उसमें बैंगल्स होकर। फिर मैंने कहा यार क्यों ऐसे बैंगल्स रखूँ, बिकॉज उसमें मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। देखा नहीं हमारे कमरे में बहुत जल्दी मिट्टी आती है यार, इनसे हमारे कमरे में मुझे समझ आया ना मिट्टी आती कहाँ से, क्योंकि विंडो तो बंद रखते हैं ठीक है फिर भी मिट्टी हो ही जाती है। अभी फैन भी क्लीन करना है मेरे को, ड्रेसिंग टेबल अभी साफ करना है, तो अभी मैं जाके ना सारे के सारे ड्रेसिंग टेबल सारी डस्टिंग करती हूं। अभी मैं जाके अपने रूम की डस्टिंग करती हूं। वो फैन भी करूंगी गाइस साफ, वो वाला भी कर दे मुझे साफ अभी। बट वो तो डिजाइन है यार, तुम तो ऐसे ही कैसे बनता है? वो अभी गंदा नहीं हुआ, वो शेडिंग है बस, थोड़ी थोड़ी सी आई है। हाँ दो दिन रह गए,
दो दिन किस चीज को? एनिवर्सरी आने वाली है। दो दिन रह गया, आज क्या डेट है? 19 है आज, 18 अभी तक पता नहीं यार, अभी तक आपको खुद को ही नहीं पता प्लान क्या चल रहा है यार। इन्होंने तो हमको सबको अटका के रखा हुआ है। हां, अगर नहीं आए तो फिर हम हैं, फिर तो हम है। हाँ, फिर तो यही पे ही करेंगे, ऑब्वियसली सेलिब्रेट तो करनी है, चाहे उसी दिन करो चाहे आगे पीछे हो। घर पे कर लेंगे ना, बट हाँ डांस करेंगे सबको, तो करना पड़ेगा डांस, सिखाओगी सबको। तेरी वीडियो में देखा तूने डांस किया है भाई, तेरी मेरी मिल दी है उस पर, तू डांस करके दिखाएगी हम सबको, है ना दी? स्पेशल परफॉर्मेंस होगी डिंपल की साइड से, जरूर शर्मा जाऊंगी मैं, जाके छुप जाऊंगी, कहीं दिखूंगी भी नहीं, कुछ नहीं होता। यस, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच गाइस, कपड़ा भी प्यारा लग रहा है, कलर सुंदर लग रहा है इसका, डे सूट जो भी है, डे सूट है, कलर बड़ा प्यारा है ना। इसमें और कलर थे? नहीं मेरे ख्याल से नहीं थे, हम देख दो तो ऐसे थे नहीं। डे में भी पहन सकती हूँ हम से, इसमें नहीं थे मेरे ख्याल से ना, तो किड्स थे इसके अंदर बस। हाँ। बनवा लेते फिर, तुझे पता है मैंने अपना ऐसे स्टिच किया था, याद है ऐसा पिंक कलर का फैब्रिक लेके, पिंक वाला स्टिच किया हुआ था मैंने ऐसा, थोड़ा कलर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ था वो मैंने, ऐसे से स्टिच कर दे, ऐसे तो बहुत इजी होता है स्टिच करने, ऐसे वाले स्टिच कर दे बिना पॉकेट के, फैब्रिक लेके मैं भी स्टिच करूंगी अब कुछ नाइट डे सूट्स, नाइट सूट भी रह रहे हैं अभी दो, मेरे सूट भी रह रहे हैं अभी दो रखे हुए हैं, मैंने स्टिच कराने, मेरी सासू माँ ने दिए थे मुझे, एक सूट सासू माँ का एक सूट डोली का। मेरा कौन सा है? तेरे को जब मम्मी ने सासू माँ ने दिया था पिंक कलर का, वो वाला सूट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? उसके बदले में तेरे को कुछ लेके दे देंगे। ओके, उसके बदले मम्मी ने ना पिंक कलर का सूट दिया था, ठीक है वहां से लेकर आया, तो वो कलर मेरी ना आंखों में ऐसे हो गया था कि यार मुझे बड़ा सुंदर लग रहा, बहुत ही सुंदर लग रहा, मम्मी सूट पहनती नहीं है, बहुत ही कम पहनती है, स्टिच वगैरह कराती, फिर वो मैंने कहा यार ये सूट तो मैं ही ले लेती हूँ डोली, इसके बदले तेरे को कुछ और लेके दे दूंगी। अच्छा सूट अच्छा है वो वाला, बहुत सुंदर है, कलर बड़ा प्यारा है, कि मैं तो ना मैं अपने पसंद, मैं फिर अलग से कोई ड्रेस ले लूंगी, तेरे को ले चलेंगे हम, ठीक है तेरे को ले देंगे, तू टेंशन ना ले, ले चलेंगे तेरे को, अभी ले आती हूँ लेने वो सूट, सिर्फ सूट उठाना, सिला हुआ तो नहीं उठाना, सिल के दे रही है वो सूट मुझे। हाँ सिल दूंगी, अभी मशीन देखते हैं। इसको तो आती है स्टिचिंग, ये तो डिजाइनर है मेन, ये तो मेरे से अच्छा डिजाइन स्टिच करती है, तो अपना मम्मी के सारे सूट आते हैं इससे, डिजाइनर स्कर्ट्स वगैरह सब, बस 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 बहुत तारीफ हो गई, हमारे खानदान के इतने कपड़े सिले हैं बस, मैं क्या बताऊं आपको, शादी वाले पार्टी वेयर कपड़े आते हैं बहुत अच्छे ना, स्टिच करने आते हैं, डिजाइन भी करने आते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पे बैठे और यहाँ पे डिस्कशन चल रही है कि क्या खाना बनाया जाए, क्या खाना बनाया जाए इनके लिए। तनडोली चाहते हैं कि मैं इनको कुछ बना के खिलाऊँ आज अपने प्यारे प्यारे हाथों से। आज क्या खाना चाहेंगे? पुलाव। पुलाव क्या बोली? पुलाव 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 ही बोली थी मैं एक्चुअली, बट पुलाव के लिए ना तो गाइस मटर है, नहीं गोभी है, नहीं न्यूट्री वाला बना सकती हूँ मैं, बना सकती हूँ खाना है तो अच्छा बनता, आलू है ना, आलू तो बस अच्छा सा बन जाएगा, आलू इसका वैसे भी मटर वाला, तो मटर तो रूखे अच्छे लगते हैं हमें हम तो बहुत खा लेते हैं मटर रूखे, आधा किलो इकट्ठे, वो तो हम रूखे खाने के लिए मंगवा रहे थे मटर एक बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा, मटर खा लेते हैं तो अभी मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में पुलाव, फिर थोड़ी देर में बनाऊंगा, नहीं अभी थोड़ी ना, अभी तो बैठ कर आए थे, गप छप्पे मारेंगे, चाय कॉफी पिएंगे फिर खाएंगे। ओके मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चाय पी है इनके आने से पहले, अगर मुझे पता होता ना इन्होंने आना, इनका कंफर्म नहीं था आने का, पहले तो वो तो बता दे क्या तेरी एनिवर्सरी की ड्रेस तो दिखा दे हमको। सो जी ये देखिए अच्छा लग रहा है राजवीर तुम पे हेयरबैंड, मुंबई में लगाता था, क्या मुंबई में लगाता था, लंबे बाल जा रहे है तुम्हारे ऊपर, लंबे बाल हो गए ना, हाँ
कहाँ से मिला? यही बाहर से मिल गया? वाला अच्छा मिल जाता है उसके पास ये सारा होता है कॉस्मेटिक का सामान थोड़ा बहुत, कलर ही पूछ लो कलर ही मिल जाएगा क्या पता। बहुत पतले लग रहे हो इस टी शर्ट के अंदर राजवीर। हो गए हो पास करके जा रही है। हो गई 19 तारीख कल आप। अरे नहीं 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 बच गया। क्या हुआ? मैच चल रहा है। मुझे लगा पता नहीं बच गए। क्या कहते हैं कल तुमको पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी हमको। हाँ मैंने आज करनी थी, आज फिर अब अंधेरा हो गया, बातों बातों में लगी रही तनु डोली के साथ, तो फिर मैंने सब कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कल कर लेंगे। चलो अभी 3-4 दिन रौनकें लगेंगी। हाँ। अपने आ रही है एनिवर्सरी के लिए। यस मजा आएगा। तो बर्थडे पे कोई नहीं होगा, एनिवर्सरी पे सब होंगे। बर्थडे पे मैं होंगी। बर्थडे पे क्यों नहीं होंगे? ये रे तन्नु मतलब सारे ज्यादातर एनिवर्सरी पे भीड़ होगी ना। नहीं बर्थडे पे भी होगी। हाँ पहला बर्थडे शादी के बाद मेरे घर वाले आएंगे। यार शादी के बाद तो पहला है। अच्छा बट बर्थडे घर पर आया था ना शादी के बाद। है तो दूसरा। हाँ है दूसरे शादी के बाद। इस बार भी घर ही मनाएंगे। इधर कौन सा जा रहे हैं? नहीं अपन इधर ही होएंगे ना। पहले रायपुर थे, रायपुर थे, मम्मी डैडी के साथ बनाया था, अभी इधर बनाएंगे। इधर इस बार तो मेरी मम्मी के साथ बनाना। ओह माय गॉड समझे। दोनों अपनी सासू माँ के साथ बनाना तुम बर्थडे इस बार। ठीक है मम्मी होएंगे ना तब यहाँ पे जाएंगे तो। नहीं घर कुछ नहीं चलो बर्थडे बना के चल जाएगी आंटी। इन तुम्हारी सालियों ने प्लान किया। डैडी को अकेला नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हारी सालियों के हेल्थ इश्यूज हैं। हां क्या सालियों ने प्लानिंग कर रही है बड़ी बड़ी। क्या डांस परफॉर्मेंस? क्या क्या डांस परफॉर्मेंस? नहीं तुम्हारे बर्थडे के लिए पता नहीं किस चीज के लिए बताती नहीं है। बताए तो यार क्या प्लानिंग कर रहे हो यार। मेरे मन में यार मेरे को ना ये होता है जानने का ना, फिर ना जब एक बार पता लग जाता ना यार ये कुछ प्लान कर रहे हैं। लोगों को खाने की क्रेविंग होती है, जानने की क्रेविंग। मेरे को ये रहता है कि यार पता होना चाहिए सरप्राइज। मेरे से छुपा के क्या चीज हो रही है? मेरे से छुपा के कोई चीज हो ही नहीं सकती घर में। तुमसे तुम्हारे को ये सोच है कि मेरे से छुपा के नहीं होनी चाहिए कोई। बर्थडे तो 7 दिन लेट है ना। फर्स्ट एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी को बहुत अच्छे से यादगार सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ओके क्या हुआ? हाँ रात को भूत वाली मूवी देख रहे थे हम। हाँ हाँ स्माइल करते ना टीवी पे और लाइट बंद थी। हम तो लाइट बंद करके देख रहे थे वैसे भी। हाँ ये तन्नू ने ऊपर से दूसरी वाली जगह की दूसरे रूम की लाइट और ऑफ कर दी। हाँ और जैसे ही वो उसी वक्त आई थी वो पहली बार भूतनी भी एकदम से निकल कर आई। मैं ऐसे लेटी हुई थी मैं रिमोट के साथ मैं तो उछली कुदा उछल गया। मैंने उसका मिटा दिया। भूत वाली अच्छी मूवी है क्या? हाँ, देख सकते हैं राजवीर तुम मेरे साथ देखोगे मूवी? यार एक दीदी थी दीदी देख नहीं सकते ना। आप भी नहीं देखते ना। मेरे को भी बहुत पसंद है यार। ये टाइम था जब मैं हॉल मूवी थिएटर में फ्रंट सीट पर आगे बैठ के देखता था। हाँ अकेले। बट जब खुद के साथ हुआ तो मैंने सब छोड़ दी। अकेले देखते थे? हाँ अकेले जाते हैं। अगर दीदी अभी क्या कहते आप बाद में देखेंगे आफ्टर डिलीवरी आपकी ठीक है तब हम भूत वाले। मेरे को हॉरर मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है। राजवीर मेरे साथ देखता नहीं है बहुत ही कम, मतलब फिर भी कभी जबरदस्ती करती हूँ तब तो चलो देख भी लेते हैं। तो उठ के लाइट भी नहीं बंद आधी छुड़वा देते हैं बीच में हमेशा। बहुत ही कम हाफ ऑफ देखने देते हैं कि थोड़ी देखते हैं लाइट ऑन। कोरियन तो नहीं है ना मूवी बट लाइट ऑफ करके मजा आता है मूवी देखने में। तो गाइस अभी घर वाले जा रहे हैं घर पे। क्या उठा लिया? फोन। मिलेंगे बाद में। बाय बाय गाइस। हफ्ते बाद आएगा। ओके एनिवर्सरी ओके ओके एनिवर्सरी आने वाली है। एनिवर्सरी आने वाली है।